किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आपको मालूम है, सामने ट्रैक्टर चल रहा है सोनाली का DI 750 थर्ड HDM, और दोस्तों 11 टाइन का टिलर देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से चला रहा है और बहुत ही लघु जुताई कर रहा ट्रैक्टर। थोड़ा किसान भाई से जानकारी लेंगे कि कितने RPM पे चला रहे हैं, और ये देख सकते हैं पीछे जो है गांव में कॉलोनी कटने लगी चारों तरफ, कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है, बहुत ही शानदार। अब बात जो है खेत में है तो ट्रैक्टर की ही करेंगे, ज़्यादा कोई फालतू बात नहीं करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं किसान आ रहे हैं, इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कई सारे ट्रैक्टर हैं इनके पास में, फार्म ट्रैक 45 भी है, 3600-2 भी है शायद, निकाल दिया जाने है पता नहीं पूरा, और अब सोनाली का आ गया इनके पास में। ट्रैक्टर जो हैं बदलते रहते हैं, बहुत ही शौकीन भाई हैं, तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आप जैसे ट्रैक्टर चला रहे हो तो किस तरह का मतलब अनुभव आपको हो रहा है। देख लो ट्रैक्टर की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही, अरुण रोको 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 भैया जी नमस्कार। कितने RPM पे चला रखा? 1300 पे, पहले का हाई में 1300 पे भी इतना लग खींच रहा। जैसे फार्म ट्रैक 45 है 50 HP का, ये भी 50 HP में 55 वाला, तो वाकई में 55 है इसमें। चलाओ चलाओ दोस्तों, देखो 4 सिलेंडर 55 HP कैटेगरी वाला मॉडल है, और 11 टाइन का टीलर है, देख लो आपके सामने ही जबरदस्त बना हुआ और धरती में बाढ़ रखा जी बिल्कुल। टीलर भी चुकर चुकर कर रहा क्योंकि ट्रैक्टर जो है 55 HP में है, और भैया बता रहे हैं कि 1300 में RPM पे चल रहा है। और अगर मैं किसी बुद्धिजीवी को कहूँगा कि 1300 पे, तो वो एकदम कहेंगे कि कम से कम 1800 या 2000 चलना चाहिए। दोस्तों जब ट्रैक्टर ने पूरा लोड उठा लिया तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा ओवर स्पीड करने की। अब देख लो ट्रैक्टर अगर हम ज़्यादा स्पीड देंगे तो तेल भी ज़्यादा खाओगा और स्लिप भी ज़्यादा काटेगा, क्योंकि पीछे जो लोड है वो 11 टाइन के टीलर का है। अब ट्रैक्टर की बात हम करेंगे कि सोनाली का ना दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ी है, एकदम एक ट्रैक्टर जो है देसी है, बिल्कुल अपने भारत का ही है, देसी। देसी का कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि घास फूस खा के चलेगा, दोस्तों देसी का मतलब है सारे पुर्जे इसके अंदर ऐसे लगे हुए हैं कि आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ दिक्कत आ जा आप कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि इंजन जो है वो भी बहुत ही हैवी ड्यूटी है, मतलब सारा ही सिस्टम इसमें हैवी ड्यूटी लगा रखा कंपनी ने, और इस तरह की डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको सामान भी कहीं भी मिल जाएगा अगर इसका कोई पार्ट्स, पहली बात तो ये ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है, और किसी कारण अगर कोई दिक्कत भी आपको आ जाती है तो आपको इसका सामान कहीं भी किसी भी मोड पर अच्छी सी एजेंसी पर कहीं भी मिल जाएगा। ये नहीं जो विदेशी टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं कि एक दिन, एक 10 दिन रुको 15 दिन रुको, ऑर्डर डलेगा जब सामान मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं। यही कारण है कि ये अपनी कैटेगरी में मार्केट के हिसाब से भी सबसे ऊपर जाता जा रहा है और काम भी सबसे अच्छा करता है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक शेयर करें, और हमारे मेरठ क्षेत्र में जो इसकी एजेंसी है AG पावर पॉइंट A2Z सोसाइटी के सामने मोदीपुरम में पड़ेगी, अगर किसी भाई को इसके बारे में पूर्ण जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं आपको, वहाँ आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।